हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस पूरी वीडियो को मैंने कोशिश किया है कि ये सस्ती से सस्ती रहे, मीन्स कम से कम खर्चा हो इसमें अपना। तो मैंने इसे दिल्ली से केदारनाथ गया हूँ मैं इस पूरी वीडियो में, तो मैं इसमें आपको टोटल वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ से बस ली है, कितने बजे बस ली है और मैं कब पहुँचा हूँ, मैंने कब ट्रैक स्टार्ट किया, कब एंडिंग, सब कुछ रहेगा इस वीडियो में। कहाँ रुके हैं, क्या किया है, क्या खाया है हमने, सब कुछ रहेगा। ये ट्रैक मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैंने केदारनाथ मूवी देखी, उसके बाद देखा उसमें कि क्या बढ़िया सीनरीज हैं। सो देख के आते हैं भाई केदारनाथ में क्या क्या है। और अपना 2013 में जो बाढ़ आ गई थी उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट वगैरह, मैं तो पहले इससे पहले कभी गया नहीं हूँ, तो फिर भी देख के आते हैं वहाँ पर क्या है। सो पूरी वीडियो को आप देखना, इसमें क्या क्या है, तो आप पूरी वीडियो में आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे जाना है और कहाँ रुकना है, कब रुकना है। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी इस समय हम हैं ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली में। अभी आज तारीख है 6 जून और टाइम हो रहा है 9:15। तो अभी हमने यहाँ से बस पकड़नी है ऋषिकेश के लिए। सो वो बस हमें जनरत बस है, वो हमें ले जाएगी ऋषिकेश और वो सुबह हमें छोड़ेगी 4:30 बजे और उस बस का फेयर है 400 रुपीज़। सो अभी हम उस बस को लेंगे यहाँ से कश्मीरी गेट से दिल्ली, उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं। तो गाइस, अभी बस जो है रुकी हुई है यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए और हमने खाना वाना तो खा लिया है। बस अभी आप देखना चाहें तो हमारी बस को देख सकते हैं, एकदम खतरनाक तरीके से खड़ी है यहाँ पे, एकदम ठंडोरी है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। बस हमारी ये है जनरत, देख सकते हैं आप, UPSRTC, और ये हमें ले जा रही है ऋषिकेश। अभी आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुकी हुई है और यहाँ पे आसपास अच्छा है, ठंड है और लोग वेट कर रहे हैं, अभी चाय वगैरह पी लें, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और ऋषिकेश के लिए। अब इसकी स्टॉपिंग शायद अब ऋषिकेश ही है सेकेंड स्टॉपिंग। सो चलो। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश और बजे हैं सुबह के 4:30 और हमें बस ने एकदम टाइम पे उतार दिया है। तो अभी यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैंने ये एक मुझे इमेज मिली है जिससे इसमें आप देख सकते हैं सारे जगहों पर जाने के लिए डिटेल्स लिखी हुई है, किलोमीटर्स विद प्राइस। इसमें ये मेंशन हुआ है कि आपको कहीं भी जाने के लिए एक दिन पहले बस की बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है करानी होती होगी। लेकिन हमने यहाँ पे पता किया है प्राइवेट बसेज इस समय रेगुलरली चल रही है यहाँ से केदारनाथ, जो भी जाना चाहते हैं सो आप उसमें ईजीली जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने पता कर लिया, यहाँ से मिल जाएगी वो सुबह, हमें थोड़ा लेट चलेगी 6 बजे के आसपास। तो जो सुबह वाली बसें हैं वो तो उनके लिए बुकिंग हो चुकी है, तो 6 बजे के लिए जो हमें मिली है, हमने उसका टिकट ले लिया है। उसका टिकट प्राइस है 380 रुपीज़, जो यहाँ पे मेंशन है सेम वही वहाँ पे भी होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमने टिकट ले लिया है और हम बस में जा रहे हैं। तो हमें बस मिल चुकी है डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए, हम उसमें बैठ गए हैं और टाइम हो रहा है 6:03। और हमने पता किया है इसमें जो एस्टिमेशन है इसका सोनप्रयाग पहुंचने का, वो 10 to 12 hours है। हाँ बिल्कुल, 10 से 12 घंटे अगर कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता है, तो कोई हैवी ट्रैफिक जैम नहीं होता है तो 10 से 12 घंटे इसे मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। और ये खाने के लिए बीच बीच में रुकते रहेंगे, खाने पीने के लिए रुकिए अपना, तो एक बार सुबह दोपहर और शाम हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप वीडियो देखते रहिए, आगे हम मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें गुप्त काशी में
और ये हमें यहाँ भी खाना खाने के लिए बस रुकी थी। आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ से गौरीकुंड 33 किलोमीटर और केदारनाथ 47, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और हमें अभी भी टाइम लगेगा यहाँ से 2 आवर्स 3 आवर्स मिनिमम। और देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है पहुँचने में यहाँ से। ये गुप्त काशी आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमारी वो सामने बस खड़ी है, प्राइवेट बस है वो। और हमने यहाँ पे खाना खाया है अभी, और 3 बज रहे हैं, तो अभी मैंने बीच में 11 बजे हमने सुबह का नाश्ता कर लिया था, लेकिन अभी दोपहर के 3 बज रहे थे, यहाँ पे रुके थे हम। तो अभी हो रहा है टाइम शाम 5:20, और यहाँ से सोनप्रयाग 2 किलोमीटर दूर है। बीच में जाम लग गया था, पूरे बसेस वगैरह पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमें खुद ही पैदल आना पड़ा। तो अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो लोग यहाँ से ऊपर केदारनाथ के लिए जाते हैं उन्हें यहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये जो काउंटर है ये 6 बजे तक खुला रहता है, तो हमने सोचा कि अभी शाम को ही क्यों ना रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, और फिर ना ट्रैकिंग शुरू कर देंगे हम रुकने के बाद सुबह सुबह। तो ये आप देख सकते हैं काउंटर इस तरीके से है, ये 6 बजे तक की इसकी टाइमिंग है शाम की खुलने की। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद नीचे आराम से रुक सकते हैं कहीं पर भी रुकने के लिए। अभी हम ढूंढेंगे यहाँ पर, देखते हैं कैसे है, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन के बाद हमने रुकने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन वहाँ पे बहुत नीचे भीड़ है। तो जो ट्रैक मेन स्टार्ट होता है वो गौरीकुंड से स्टार्ट होता है, तो हमने सोचा कि गौरी आके रुक जाएंगे, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो गौरीकुंड जाने के लिए आपको ये ऐसी प्राइवेट टैक्सीज लेनी पड़ती है, जो यहाँ से 20 रुपीज़ लेती है। गौरीकुंड यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो टैक्सीज को लेकर के यहाँ से जाना है गौरीकुंड, और वहाँ पर फिर हम रुकेंगे। उसके बाद अपना ट्रैक हम सुबह स्टार्ट कर देंगे, जैसे देवी देखेंगे। तो ये टैक्सीज जो है यहाँ से 20 रुपीज़ गौरीकुंड जाने के लिए, और इनके लिए लंबी लंबी लाइंस भी लगती हैं, आप देख सकते हैं लंबी। तो अभी हम जा रहे हैं टैक्सीज में गौरीकुंड के 11 किलोमीटर से, और हमें यहाँ से देखते टाइम लगता है, अभी उन्होंने बोला है 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगेंगे अगर कोई जैम नहीं मिलता है। मीन्स जैम लोग पैदल ही जा रहे हैं, कुछ लोग तो इतनी भीड़ है अभी, ज़्यादा पेड़ नहीं मिली है। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर, और यहाँ से नीचे जाने के लिए लोगों को, मीन्स यहाँ से जो लोग उनके लिए इतनी लंबी टैक्सीज की लाइन है। आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे जो केदारनाथ से दर्शन करके वापस नीचे जाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखिए इतनी लंबी, उम्मीद करते हैं हमें इतनी लंबी लाइन मिले। अभी हम नीचे से आए, हमें तो कोई लाइन नहीं मिली, डायरेक्ट टैक्सी खड़ी थी, हम बैठ गए और आ गए ये नीचे जाने के लिए इतनी लंबी लाइन। तो फ्रेंड्स अभी टाइम बैठे 5, और आज डेट है जून 8, क्या बात है, राइमिंग हो गई। तो अभी डेट है जून 8 और सुबह के 5 बज रहे हैं। सो एक प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड्स, कि हमने लगा कि हम ऊपर आराम से आकर के रुक जाएंगे, लेकिन हमें रुकने के लिए ऊपर कोई स्पेस ही नहीं मिला। तो हमने 4-5 घंटे ऐसे, वैसे बहुत सारे लोग बाहर ही रुके हुए थे, चेक पे रुकने के लिए कहीं भी रुक जाओ, थोड़े टेंट्स लगे हुए हैं आप उसमें आराम से रुक सकते हैं, लेकिन ऊपर थोड़ी ठंड होती है, तो थोड़ी वहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको रुकने के लिए। आप रुक सकते हैं, इस समय अरेंजमेंट किए हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, सो आप रुको और रुक सकते हो इजीली। सो हमने क्या किया था कि वहाँ 4-5 आवर्स वेट करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, ट्रैक को रात को ही हमने स्टार्ट कर दिया था 12 बजे के आसपास। तो रास्ते में अंधेरा होने की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, और लेकिन जो रास्ता है वो पूरा वेल मार्क्ड है, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है कि आप कहीं भटक जाओगे, जैसे अभी आपको दिख रहा है इस तरीके से ये पूरा, और रात में स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहती है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कहीं भी आने जाने या भटकने में, आप लग रहा हो सो आप आराम से जा सकते हो। और रास्ते में जो मीन्स मार्क्ड होता है सब कुछ, अभी कितना किलोमीटर्स बाकी है, इस तरीके के बैनर लगे होते हैं। में आपको इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं वाली है, आप रास्ते में चाय वगैरह पी सकते हैं, और रास्ते में आपको ठंड बढ़ती जैसे ऊपर से जाएंगे ऐसे बर्फ़ वाला पोर्शन आता जाएगा, पहले नीचे तरफ से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बर्फ़ वाला एरिया आता जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखते जाइए आगे धीरे धीरे रास्ता।
तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं केदार के एक पीक पे, जहां पर घोड़े को रुक जाना होता है। यहां के बाद आपको खुद ही पैदल जाना होगा, तो आप काफ़ी घोड़ी जगह है। सो घोड़ों के बारे में बता दूं तो ये आपके करता है कि आप बार्गेनिंग करें। अभी पीक सीजन चल, ये लोग अब आपसे कुछ भी इनके मन में 3000 के आसपास भी मांग सकते हैं, 4000, वैसे जो मिनिमम 500-600 रुपीज़ है, लेकिन ये लोग अपने कुछ भी मांग लेते क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। बाकी अगर आपके वेट पे भी डिपेंड करता है, अगर आप वो पीठ वाला जो पिट्ठू होता है उस पे आते हैं तो आपका वेट अगर 80-90 के आसपास है उसके बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, 4000 के आसपास। बाकी आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, हेलीपैड भी है यहाँ पर। हेलीकॉप्टर से आने के लिए आपको पर पर्सन अराउंड 4300 या 4200 के आसपास देना होता है। हेलीकॉप्टर यहाँ पे ऐसे आता है और आपको वहीं पे छोड़ के चला जाता है। यहाँ भी उसकी यही लिमिट है, यहाँ से आपको बाकी पैदल ही जाना पड़ेगा और सब कुछ देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो हमने फ्रेंड्स ऑल बुकिंग कराई हुई थी ऊपर रुकने के लिए नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बेडेड हट्स के लिए 990 रुपये पर बेड दिया जाता है, 10 बेडेड हट्स के लिए 750 पर बेड, और टेंट्स जो होते हैं नॉर्मल उनके लिए 300 रुपीज़ लिया जाता है प्रति स्लीपिंग बैग। तो मैं आपको किसी होती है और स्लीपना कैसा है तो आप देख सकते हैं रहे हैं। और ये हट्स लगे बगल में ही, आप देख सकते हैं कितनी सारी हट्स लगी हुई है। तो ये व्यू आप देख सकते हैं, हट्स इस तरीके से नंदी कॉम्प्लेक्स है ये, और व्यू आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल कैसा मॉर्निंग का टाइम है ये, और बिल्कुल बर्फ दिख रही है आसपास। अभी जून का मंथ है ये, और वो देखिए वहाँ पे है अपना जो हिमालय। तो मैं आपको टेंट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो ये नॉर्मल टेंट्स है जो वहाँ पे हमने देखे थे 300 रुपीज़ पर स्लीपिंग बैग जो लिया जाता है, ये वो वाले टेंट्स हैं। इसमें आपको नॉर्मल एक टेंट स्लीपिंग बैग दे दिया जाएगा, आप उसी में सोना है और नीचे मैट्स बिछी होंगी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया, ये गर्म ही रहती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बढ़िया है ये। ये हो गया आपका 300 रुपीज़ वाला टेंट। और अब बात कर लेते हैं आपका जो 750 रुपीज़ वाला जो है वो किस तरीके का होता है, वो आप देख लीजिए। इसमें आपको रजाई गद्दा दोनों मिलता है आराम से, थोड़े से अच्छे है, कंफर्टेबल है, गर्म थोड़े से, और इसमें आपको थोड़ा गर्म रहेगा। उसमें स्लीपिंग बैग में थोड़ा सोने में प्रॉब्लम होती है, इसमें सोने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें आप देख सकते हैं 10 बेड्स वाली ये हट है, इसमें आपको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थोड़ी उससे गर्म होगी जो 300 वाली होती है, और थोड़ा रजाई में सोने में मज़ा ही आता है, इसलिए एकदम खिलखिलाती धूप हो रही है इस समय और मज़ा आ रहा है बिल्कुल गर्म गर्म। सुबह सुबह मौसम बिल्कुल अच्छा था और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया है। अभी मैं थोड़ा बाहर देखने आया तो बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है, यहाँ पे कभी बारिश हो सकती है, मौसम बदलता रहता है। सो आप रेनकोट का एकदम ध्यान रखिएगा कि रेनकोट लेकर के आइएगा, नीचे से ही रेनकोट लेकर के आइएगा, वो अनाउंसमेंट होती रहती है, लेकिन आप ले लीजिए बारिश होती है। हमारे लिए तो नहीं हुई थी लेकिन बताते हैं लोग रास्ते में हो जाती है बारिश, तो अभी आप देख सकते हैं। ये क्यों ना थोड़ा अभी दर्शन कर लिया जाए, तो देख रहे हैं कि अभी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, और मुझे तो नहीं लगता आज अभी हो पाएगी। आप देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। दर्शन के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, अब हमने तो सोच लिया है कि भाई अब हम शाम को आएंगे दर्शन करने। शाम को कहते हैं लोग रात को 9 बजे तक 8 बजे तक द्वार खुले रहते हैं दर्शन के लिए, हम उस टाइम पे दर्शन करेंगे, अभी रेस्ट कर लेते हैं। शाम के बजे 6 और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने।
और अभी लाइन तो बहुत छोटी है, लाइन तक कुछ दिख ही नहीं रही है, देखते हैं आगे कैसी रहती है लाइन। और जा रहे हैं अभी दर्शन करने, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड इस समय तो लाइन बहुत छोटी है, बता रहे हैं लोग अभी 1-2 घंटे में हमारे दर्शन हो जाएंगे। अभी अपने सामने लंबी लाइन यहाँ से दिख रही है करके, अभी मंदिर की बारिश हो रही है, ठंड लग रही है और व्यू आप देख सकते हैं कैसा है यहाँ पे। ये नदी है जो रास्ता बना चुकी है अपना तोड़ने के बाद सब कुछ, और वो देख सकते हैं चारों तरफ। फ्रेंड्स रात में हमने दर्शन कर लिए थे और हमने वहीं पे मंदिर के पास ही डिनर कर लिया था और हमने बहुत थक गए थे तो हम सो गए घर अपने टेंट में आकर के वापस। अब हमने सोचा कि भी सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, एक बार और आपको तो मंदिर दिखा दें, हमने तो देख ही ना, तो अभी हम मंदिर के पास जा रहे हैं। रास्ते में व्यू है आप देख सकते हैं, नदी आवाज़ आ रही होगी, अब ठंड हो रखी है, सुबह का टाइम है बिल्कुल। ये आ गए हम मंदिर के पास, अब आप मंदिर के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं मंदिर और पीछे बर्फ वाला पहाड़। देखिए मैं पूरे तरीके से आपको हर एंगल से कोशिश करूंगा मंदिर दिखाने की, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है जिन लोगों ने अपनी जानें खो दी थी 2013 में जब बाढ़ आई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पर।
तो अभी आपने पूरा अच्छे से देख लिया है मंदिर, और ये है पीछे का व्यू। तो अभी हमें वापस नीचे भी जाना है और बस पकड़। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, आप देख सकते हैं अभी धूप हो रही है, रात में तो अंधेरा हो रहा था इस वजह से मैं आपको ट्रैकिंग का रास्ता नहीं दिखा पा रहा था। अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं और मैं आपको इस ट्रैक के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो इसमें हमने तो बस से आने में हमें 12 घंटे लग गए, 10 से 12 घंटे, और हमें पता नहीं था कि इसमें इस ट्रैक पर आने से पहले कि आप यहाँ पे टैक्सी भी, शेयर टैक्सी में भी आ सकते हो। हमें अभी मैंने यहाँ पे बात की तो लोगों ने बताया कि वो शेयर टैक्सी में भी आए हैं, यहाँ के जो लोकल्स होते हैं उन्होंने बताया कि आप चाहो तो डायरेक्ट मीन्स ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए टैक्सी में आ सकते हो, उसमें 300 रुपये लगते हैं। और आप रुद्रप्रयाग से चेंज करोगे गुप्तकाशी के लिए, जहाँ पे हम बीच में मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो खाना खाने के लिए, वहाँ 50 रुपये लगते हैं। और गुप्तकाशी से सोनप्रयाग डायरेक्ट आपको टैक्सी ले आएगी, वहाँ से भी वहाँ 100 रुपये लगते हैं, बस वही है 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप 8 आवर्स में यहाँ पर चले आओगे बिना, मतलब थोड़ा कम्फर्ट भी रहेगा टैक्सी में आने में, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी आप अभी देख सकते हो वीडियो में हम वापस जा रहे हैं अभी। तो जबरदस्त है केदारनाथ का, आप देख सकते हो क्या आप जबरदस्त नदी जा रही है, आवाज एकदम मन को खुश कर देने वाली। लोग अभी भी बिल्कुल सीजन है, इस समय बिल्कुल भीड़ है भाई साहब, भीड़ खचाखच, लोग भरे हुए एकदम यहाँ पे ऊपर नीचे आने जाने के लिए। हमने तो रात में ट्रैकिंग शुरू की थी तो बहुत ही कम लोग थे, तो अच्छा भी था, भीड़ कम थी, अभी चलने में मजा आ रहा है तो बढ़िया है। सो अभी तक तो ट्रैक हमारा बहुत अच्छा रहा, हम गए भी वापस भी आ गए। क्या उधर जाना है, हमें सीधा जाना है, हाँ हमें सीधा जाना है, क्यों चलाता है क्या? अरे ये शॉर्टकट है ना, वो घूम के ऊपर से आ रहा है। हाँ तो हम पहुंच गए वहाँ पर इस वीडियो में जहाँ पर से लोग अब घोड़ा लेकर के ऊपर जाते हैं, आप देख सकते हैं घोड़े लेने की जगह है वहाँ पर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरी में, मैं उससे जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।